मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुलाकात लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई, जहां पर एसटी समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं से केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अनादर टीवी के संवाददाता अनूप चौधरी से खास बातचीत में बताया कि उनके क्षेत्र के रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की कुछ समस्याएं हैं, इन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोग थे काफी संख्या में आपसे मिले हैं, क्या इनकी मांगे थी और किस तरह से इनको आश्वासन मिला है? क्योंकि हम सर अक्सर देखते रहे, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जश्न होता है या कोई भी फंक्शन होता है, आप ही लोग आते हैं वहाँ पर, डांस नाच गाना करते हैं, जश्न मनाते हैं, और आखिर इनकी दिक्कतें क्या दिक्कतें हैं और कैसे इनकी दिक्कतें दूर होंगी? पूरे देश में एससी एसटी समाज के लोगों के लिए बड़ा काम हो रहा है। प्रत्येक बैंक से एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को, एसटी को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के उद्यमी बनाने का काम है। इसके अलावा जिनके पास आवास नहीं, उनको आवास उपलब्ध कराना, शौचालय उपलब्ध कराना, इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना, मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में इलाज करना, ये सारी सुविधाएँ हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अभी इन लोगों को नहीं मिले हैं, इनकी बैठक करते हैं। पिछले बार भी एक राखी का त्यौहार हम इन लोगों ने हमारे साथ मनाया था, इस बार भी मनाएंगी, और इन लोगों की एक सूची पूरी तैयार करा रहे हैं, तैयार हो गई ये सूची, और दे करके इनका सर्वेक्षण कराएंगे, इन लोगों को आवास दिलाएंगे। अगर आवास की ज़मीन नहीं है तो इनको ज़मीन भी आवंटित की जाएगी, करवाई जाएगी, और इनको आवास भी मिलेंगे और इनका शौचालय भी मिलेगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, अब अजय राय आ गए हैं, क्या लगता है कांग्रेस में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और क्या लगता है कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है कि अब की जो है भारतीय यहाँ यूपी में उसको भी अच्छी सीटें मिलेंगी, और ये एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से है कि प्रदेश अध्यक्ष फिर बदल दिया गया है, कितना कामयाब रहेगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार चुके हैं और एक सीट सोनिया जी को मिली थी, सोनिया जी लड़ेंगी तो वो भी हारेंगी, हमारे हिसाब से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। तो आखिरी सवाल सर ये है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 2024 के चुनाव में यूपी में 80 की 80 सीटें, क्या पूरी 80 सीटें वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी? भारतीय जनता पार्टी तो सेवा ही संगठन के तहत काम करती है, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता की इच्छा है, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, नौजवानों की, गरीब तबके की, एससी एसटी की, ओबीसी के, वंचित तबके की, सभी उस समाज के लोगों को जिनको कुछ ना कुछ लाभ मोदी जी से, योगी जी से मिला है, वो सब लोग, जनता चाहती है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आए, ये जनता चाहती है, इसलिए वो जनता जिताने का काम करेगी। क्योंकि आप केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी थे, हर मुद्दे पर बात की और साथ में ये भी कहा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 जो यूपी की सीटें सभी मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।